हाय नमस्कार दोस्तों, तो क्या हालचाल है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर कार जो कि रिवियन के तरफ से आ रही है। जी दोस्तों, इसके लॉन्चिंग के बाद ईवी व्हीकल्स का तो मानो मतलब ही बदल जा चुका है। इस व्हीकल की रेंज और परफॉर्मेंस जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कार आखिर है क्या, कौन से सेगमेंट में ये कार आती है। दोस्तों ये कार एक ऑफ रोड कार है, यह एक लोडर कार भी है, यह एक लग्जरी कार है जो कि चार सीटर की आती है, और ये एक पिकअप ट्रक भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब ये चारों चीज़ों का यहाँ कॉम्बिनेशन इस कार में आपको देखने को मिलता है। स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चार मोटर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड मोटर सिस्टम। यह आपको 750 हॉर्स पावर तक का पावर जनरेट करती है। इस कार की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार पाने में इसे लगते हैं मात्र 3 सेकेंड। अगर हम लोग बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 360 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो कि ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें इसके रेंज के बारे में तो यहाँ पर आप इसे एक बार फुल चार्ज करके 640 किलोमीटर तक का रेंज ले जा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा 640 किलोमीटर का रेंज है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके इंटीरियर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको एक लग्जरियस फील देखने को मिलता है जहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल सब कुछ, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिला है, जहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिला है जहाँ पर अपने मैप वगैरह, नेविगेशन जैसे म्यूजिक वगैरह कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैक के बारे में तो बैक में आपको यहाँ पर एक फ्लैट स्पेस देखने को मिलता है जिसको आप ओपन कर एक स्टोरेज स्पेस के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको कार के साइड में एक ओपनर भी देखने को मिलता है जिसको आप खोलकर अपने बड़े वगैरह रॉड वगैरह आप लंबी चीज़ें भी रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसकी बैग के बारे में तो आप इससे एक और खासियत बताता हूँ, आप इसके बैग को एक बेड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैंपिंग के लिए, जैसा कि आपको फोटोज़ में दिख रहा होगा। अब दोस्तों बात करें, हमने इतना कुछ जान लिया इस कार की प्राइस वगैरह कितनी है, तो अभी इस कार को बनाने का मौका दिया जा रहा है। तो अभी इस कार का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है 2020 में, मतलब 2020 में। तो अभी ये कार मात्र अभी अवेलेबल है कनाडा, मेक्सिको और US, ये तीन देशों में अभी ये कार अवेलेबल है। अब देखना है इस कार की क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाली है और कैसा ये बाज़ार में खड़ा उतरती है। अगर दोस्तों हम लोग इसकी प्राइस के मामले में बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 47 लाख रुपीज़ या दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी रकम है एक आम आदमी के लिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई इसे बड़ा आदमी खरीदना चाहे जो कि पेट्रोल कार को अप्रोच करता है, वो इसे खरीद सकता है, क्योंकि यार ये कार किसी भी पेट्रोल कार से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है इसमें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।